Hello everyone, welcome to Swadhyay classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna do introduction of exercise. So let's get started. आज की वीडियो में बस एक चीज़ की कमी है, वो है फेस कैम. तो ये कमी भी दूर हो जाएगी. And as I ask you to like this video, share this video, and yes, subscribe our channel and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So basically, last class में अपने questions करे थे exercise 2.1 के और उसका introduction देखा था. आज हम exercise 2.2 की जो questions करने हैं और 2.3 के जो questions करने हैं, उसके लिए जो basic knowledge चाहिए, basic introduction जो हमको जानना ज़रूरी है, वो हम करेंगे आज. तो इसके अंदर आज हम होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. वी आर गोना स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर. सो देखिए, हमारे होल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो 4 टाइप्स की हैं: क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ये 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं. वन बाय वन हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हैं. अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी है जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि इफ आई ऐड एनी 2 नंबर्स, कैसे नंबर? होल नंबर्स. इफ आई ऐड एनी 2 होल नंबर्स वेयर, उसका जो रिजल्टेंट होल नंबर, तो उसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा, that will also be a whole number. It means अगर मैं किसी 2 नंबर को ऐड करूँ तो उनका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर हो. लाइक एग्जाम्पल, इफ आई ऐड 2 + 3 देन 2 + 3 is 5 एंड वी नो डैट 5 इज ऑल्सो वट होल नंबर, वेयर 2, 3 दीज वर ऑल्सो होल नंबर. सो बेसिकली हमारी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है. और क्लोजर प्रॉपर्टी किस किन 2 चीज़ों में अप्लाई होती है? फर्स्ट, इट इज अप्लाइड इन एडिशन एंड इट ऑल्सो अप्लाइड इन मल्टीप्लीकेशन. ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों में अप्लाइड होती है. अब क्वेश्चन अराइजेस कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का क्या हुआ, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ. देखिए, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ये तो ऐसी प्रॉपर्टीज है जहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फुल्ली तरीके से फॉलो नहीं करती. ठीक है, पहले हम मल्टीप्लिकेशन का केस भी देख लेते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन के केस में दिस वाज द एडिशन केस, दिस वाज द एडिशन केस. सो इन मल्टीप्लिकेशन केस, case of multiplication, if we multiply 2 whole numbers, it also follows that if we multiply 2 whole numbers, then the resultant answer will also be a whole number. Okay, if I multiply any 2 whole numbers, then the resultant answer will also be a whole number. Let's look at the example. If I multiply 2 and 3, then my answer will be 6. 2 × 3 = 6 and 6 is also a whole number. 6 भी एक होल नंबर है. तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फुल्ली तरीके से फॉलो होती है. एंड व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी इज इफ वी ऐड और मल्टीप्लाई, इफ वी ऐड और मल्टीप्लाई एनी 2 होल नंबर्स, देन आवर आंसर विल बी ऑल्सो अ होल नंबर. इफ यू वांट टू राइट अ स्टेटमेंट, देन यू कैन राइट अ स्टेटमेंट ऑल्सो दैट इफ we add. This is according to closure property. Okay, according to closure property, if we add or multiply 2 whole numbers, then our answer, or you can say result, will also be a whole number. Okay, got it? Now, please note it down. नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, ठीक है? Because I am gonna erase all these material. Okay? So, as I said, कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फुल्ली तरीके से फॉलो नहीं होती। देखिए, पहले मैं सब्ट्रैक्शन का केस लेता हूँ। इन सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए मैंने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लाइक 9 - 5, ओके, 9 - 5, सो आंसर विल बी 4, ओके। यहाँ पे 9 भी हमारा होल नंबर था, 5 भी हमारा होल नंबर है एंड 4 भी हमारा होल नंबर है। बट इफ I माइनस 9 फ्रॉम 5, इज इट पॉसिबल? Is it possible that I will get a whole number? No. You can't get a whole number in this situation. Why? Because अगर मैं ये प्रोसेस करूँगा, so अगर आप फ्यूचर में आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा -4 and -4 is not a whole number, it is an integer. तो यहाँ है ना, आप लोग है ना, आप लोग फ्यूचर में जब ये चीज पढ़ेंगे then it is also possible that we can subtract 9 out of 5, okay, but we can't get a whole number in our answer, so there our closure property fail. Now as I told you, in subtraction same scenario division में भी होता है, same scenario comes in division also. How? Look, in division, I simply, if I say I divide 10 from 5, okay, I simply divide 10 from 5, then my answer will come 2, okay, because 5 2 ja 10, okay. So here 5 was also a whole number, 10 was also a whole number and 2 was also a whole number. No problem. अभी तो condition satisfy कर रही है. But यहाँ पे अगर मैं 5/10 कर दूँ तब क्या होगा? क्या मैं 10 में से 5 को divide कर सकता हूँ? Yes. Future के case में मेरा जो आंसर कर सकता हूँ. But मेरा जो आंसर होगा वो whole number नहीं आएगा. यहाँ पे भले ही मेरा आंसर अभी तो आ जाएगा. दिस इज नॉट द आंसर विच आई वॉन्टेड. ये तो डेसिमल है, ये तो डेसिमल है, बट आई वॉन्टेड अ होल नंबर. सो हियर दिस कंडीशन ऑल्सो फेल्स. सो अगेन अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ आई एड और मल्टीप्लाई टू नंबर्स देन the resultant answer should be also a whole number. If I add two whole numbers or multiply whole numbers, then my answer should also be a whole number. This is what a closure property do. और आगे हम जितनी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आने वाली है that is कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेंगे. हाउ? देखिए, पहले तो हम ये सिनेरियो देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है. सो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ आई ऐड टू होल नंबर देन इट्स पोजीशन कैन बी रीअरेंज्ड इन एनी फॉर्म. ओके, अगर मैं किन्हीं दो होल नंबर्स को ऐड अप करता हूँ, सो मैं उनकी अगर पोजीशन, उन होल नंबर्स की पोजीशन अगर मैं चेंज कर भी देता हूँ देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करता हूँ, देन माय आंसर कम हियर विल बी 4 + 2 is 6. यहीं पे अगर मैं इसकी पोजीशन कर चेंज करता हूँ, लाइक बी को फर्स्ट में ले आया हूँ, 2 को मैं आगे रख दूँ, 4 को पीछे रख दूँ। देन अगेन ऑल्सो माई आंसर विल बी 6। ठीक है, नंबर्स की पोजीशन चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस ऑल्सो केस ऑल्सो फॉलोज ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी केवल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में ही फॉलो करती है। हाउ? इन मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर्स लूंगा मैं। यहाँ पे 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन माई आंसर विल बी 8। और if I multiply 2 into 4, then again my answer will be 8. Okay? Commutative property का कहना है कि किसी addition और करते समय और multiplication करते समय अगर हम दो whole numbers की position interchange कर देते हैं, then हमारे answer में कोई changes नहीं है। ये commutative property का कहना है। अब देखिए, लेकिन division और सब्ट्रैक्शन में ये चीजें फॉलो नहीं होती। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा, लाइक यहाँ पे मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमने देखा था कि मैंने नंबर सपोज कर लीजिए 10 - 5 करा था, मेरा आंसर 5 आ रहा था। मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूंगा, 5 - 10 कर दूंगा, then here my answer will not be the same. Okay? So here also commutative property, according to commutative property, this statement states that if we change the position of whole numbers, in addition and multiplication, then there won't be any effect on our answer, or you can say result, and as I said, this property doesn't follow in division and subtraction. In division and subtraction, this property also doesn't follow it. Now, let's come to this associative property. What is associative property? Associative property states that if we are adding multiple whole numbers, suppose let's take 3 whole numbers, and according to the rule, we have to add first 2 numbers, then after that we are gonna add another 3rd number, or you can say अगर ज़्यादा numbers होंगे तो हमको बाद में उनको add करना होगा, but पहले हमको किन्हीं 2 numbers को तो add करना पड़ेगा। So associative property ये कहती है कि हम अपने convenience के मुताबिक, यानी अपने आसानी के मुताबिक, अपने काम को आसान करने के लिए किसी भी 2 नंबर को अगर पहले ऐड कर लेंगे और 3rd नंबर को हम बाद में ऐड करें तो इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस दैट इफ वी पेयर आउट एनी 2 नंबर्स एंड आफ्टर दैट वी ऐड दैट पेयर टू 3rd नंबर, देन देयर वोंट बी एनी चेंज इन आवर आंसर। लेट्स टेक इट एग्जांपल, इसका देखते हैं। मान लीजिए मैं इन नंबर्स को ले लेता हूँ, मैं A, B और C की जगह नंबर्स पुट कर देता हूँ। ए की जगह मैं 1 ले लेता हूँ, बी की जगह 2 ले लेता हूँ और सी की जगह 3 ले लेता हूँ। एंड सेम हियर, ए की जगह 1, बी की जगह 2 एंड सी की जगह मैं 3 ले लेता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, मैं अपने काम को आसान करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग इसको यूज करने का आपको तरीका और अच्छी तरीके से आ जाएगा। आपको तब इस प्रॉपर्टी का यूज पता लगेगा एंड इट इज वेरी यूजफुल, मार्क माई वर्ड्स। ओके, तो चलिए पहले अगर मैं इस पेयर को ऐड अप करता हूँ, लाइक इफ आई ऐड 2 + 1, according to BODMAS we have to first solve the bracket, so it will become 3 and 3 + 3 here is 6. okay, and here अगर मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, so this bracket gives us answer 5. ये ब्रैकेट हमको आंसर 5 प्रोवाइड करता है and 1 + 5 also gives us 6. हमारे आंसर में तो कोई चेंज नहीं आया, बट हमारे सॉल्व करने के तरीके में जरूर चेंज। हमने जो पेयरिंग करी थी उससे हमारे आंसर में चेंज आया। आपने देखा इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो फॉलोज इन मल्टीप्लीकेशन, एज यू नो दिस वॉज एडिशनल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो फॉलो इन मल्टीप्लीकेशन। हाउ? सेम सिनेरियो, हम प्लस की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ वही होगा। सेम नंबर्स मैं वही ले लूँगा, 1 2 3, 1 2 3, बस ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये केवल समझाने के लिए, आपको ये मत सोचो कि पहले एक जगह ब्रैकेट लगा फिर दूसरी जगह। इस प्रॉपर्टी का यूज हम एक्सरसाइज के अंदर करना सीखेंगे, और किस तरीके से करते हैं जब आप वो देखोगे तब आप शॉक हो जाओगे कि इतनी आसान, ये हमारा काम कितना आसान करता है। सो लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट, 2 × 1 इट गिव्स अस 2 एंड 2 × 3 गिव्स अस 6. ओके, ये हमारा आंसर उसी के बराबर आ गया। और देखिए 3 × 2 = 6 एंड 6 × 1 ऑल्सो कम 6. ओके, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा 6 आया। तो चलिए एक और ले लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से समझ जाएं। मैं A की जगह 5 ले लेता हूँ, B की जगह 6 ले लेता हूँ और C की जगह 2 ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे भी A की जगह मैं 5 ले लेता हूँ, B की जगह 6 ले लेता हूँ एंड C की जगह 2 ले लेता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू माई, मैं इसको ब्रैकेट कर लूँगा, पेयरिंग कर लूँगा। नाउ 5 × 6 = 30, 30 × 2 gives us 60. ओके, नाउ इन सेकेंड केस 6 × 2 = 12 एंड एज वी नो 12 × 5 = 60. अब तो पता लग गया होगा ना कि हमारे एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करती है। एंड इन दिस केस दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ वी पेयर आउट एनी नंबर्स according to our convenience, or you can say to make our work easy, then और आंसर इन एवरी केस विल बी सेम। इसको हम लिख लेते हैं, सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इट स्टेट्स दैट इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़ करते समय और गुणा करते समय, इफ वी पेयर अप एनी टू होल नंबर्स if we pair up any two whole numbers. If we pair up any two whole numbers, once again, according to our convenience, or you can say to make our work easy, to make our calculation easy. Then in that case also there won't be any effect on our answer, or you can say result. Okay, got it? यानी दोबारा से बता देता हूं मैं कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते समय हम किसी दो होल नंबर्स का पेयर अप करते हैं अपने मन चाहे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो उस केस में भी उसका फर्क हमारे आंसर और रिजल्ट पे नहीं दिखेगा, उसका असर हमारे आंसर और रिजल्ट पे नहीं दिखेगा, हमारा आंसर तब भी वही आए, करेक्ट आए। Now let's come to the fourth property, that is distributive property. Distributive property, and distributive नाम में ही इसके एक हिंट छुपा हुआ है। Distribute, यहाँ पे नाम में ही इसके बना हुआ है distribute। Distribute का मतलब होता है बांटना, बांटना। Distribute का मतलब ही होता है बांटना। Okay? अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक नंबर किन्हीं दो होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक ही साथ। मैं यहाँ पे अगर नंबर बोलता हूँ तो सिंपली आपको यही समझना है कि मैं अभी होल नंबर की बात कर रहा हूँ। ओके, गॉट इट? सो इफ अ नंबर मल्टीप्लाइज बाय सेम two whole numbers at the same time, then at that case यहाँ पे हम इसको open कर सकते हैं, distribute कर सकते हैं, बांट सकते हैं, खोल सकते हैं इसको। Like कैसे? देखिए, A यहाँ पे B से भी multiply हो रहा है और A यहाँ पे C से भी multiply हो रहा है। कैसे? मैं अगर इसको distribute कर दूँ तो यहाँ पे A B से भी multiply हो रहा है और A यहाँ पे C से भी multiply कर रहा है। मैं चाहे आपको इसको elaborate करके दिखा सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। इन दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आएगा। हाँ, देखिए, मैं नंबर ले लेता हूं, ए की जगह मैं रखता हूं 5, बी की जगह रखता हूं a = 5, b = 2, c = 3। मैं A की जगह 5 रखता हूँ, B की जगह 2 रखता हूँ, C की जगह 3 रखता हूँ। यहाँ पे भी A की जगह 5, B की जगह 2 एंड C की जगह 3, A × 3। Now look, according to BODMAS, we have to solve bracket first. So in the bracket, यहाँ पे addition हो रहा है, तो bracket के अंदर को solve करेंगे तो 2 + 3 gives us what? 2 + 3 gives us 5, and bracket means multiplication, bracket हटेगा, multiply लगेगा, so 5 × 5 is 25, okay? Now let's look in this situation, यहाँ पे 5 × 2 is 10, according to BODMAS, multiplication comes first, okay? Off means multiplication, B means bracket, M means multiplication. So first we will multiply 5 × 2 is 10 plus 5 × 3 is 15. Now after that addition करेंगे तो 10 + 15 gives us 25. Look, 25 and 25, same answer. So distributive property क्या कहती है? Distributive property हमारी यही कहती है, ये आप अगर एक नंबर सेम नंबर किसी दो अलग अलग होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सिंपली ऐड अप करके उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर बाय चांस हमको जरूरत पड़े सो हम इस फॉर्म से कन्वर्ट करके उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक एक सेम नंबर किसी अलग अलग दो होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है एट द सेम टाइम एंड इन दैट केस अगर वो एडिशन के फॉर्म में है तो वहाँ पे हम उस नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको ओपन अप कर सकते हैं, उसको इलैबोरेट कर सकते हैं और उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आएगा। सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज। सो आप वो एक बाय एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई मैंने कर दिया है, इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे और अपनी तरफ से जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई इनमें अपनी तरफ से नंबर्स पुट करके खुद इसका जजमेंट लेंगे कि क्या मैंने जो बताया वो ठीक है या नहीं। बिकॉज जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे मेरे बताने का कोई फायदा नहीं। ओके, मैं चाहे कितना ही आपको बता दूं, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नोबडी कैन टेल यू एनीथिंग। ओके, सो आज की क्लास में केवल हम प्रॉपर्टी करेंगे और इस क्लास के अंदर केवल प्रॉपर्टी हमने इसलिए करी बिकॉज दिस प्रॉपर्टी विल वर्क ऑल्सो इन एक्सरसाइज 2.3। सो बेनिफिट हमारा ये रहेगा कि कंटिन्यू हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, रिदम में। और क्लासेस आपकी लेट इसलिए हो गई बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे सिस्टम में जिस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई और लेट हो गई, ठीक है। तो अब आपकी स्टडीज के ऊपर कोई दिक्कत ना आए इसके लिए आई विल ऑल्सो बी वेरी पंक्चुअल टू द टाइम और आपको भी पंक्चुअल रहना है अपनी स्टडीज के लिए। ओके, I will not waste your time anymore. Basically, I want you just a simple thing from you that subscribe our channel, like this video अगर अभी तक बने हुए हो और यार follow करो Instagram पे और WhatsApp पे join करो, ठीक है। We'll meet you guys in the next video. Till then, bye bye.